अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आलू स्टफ पराठा बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैं हाफ के जी आलू को बॉयल करके इस तरीके से बिल्कुल मैश करके हम इसको रख लिए हैं, और ये आटा हम गूंद कर रख लिए हैं। जो नॉर्मली आटा गूंदाता है, गेहूं का आटा हम लिए हैं हाफ के जी। उसमें कलौंजी डाल दी है, नमक और थोड़ा सा तेल डाल करके इसको गूंद के रख लिए हैं। अब इसके स्टफिंग के लिए ये हम लिए हैं प्याज, दो बड़े साइज को हम काट कर रख लिए हैं। धनिया पत्ती है हाफ प्याली कटी हुई, 5 से 6 हरी मिर्च है, और थोड़ा सी अदरक का टुकड़ा हम छिलके काट के ले लिए हैं। और ये हम कुछ पाउडर मसाले लिए हैं, जो कि 1 टीस्पून हम नमक लिए हैं। इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, नमक और मिर्ची। 1 टीस्पून हम लिए धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लिए हम गोलकी का पाउडर, 1 टीस्पून हम लिए हैं मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी का पत्ता लिए हैं, और 1 टीस्पून हम लिए जीरा का पाउडर। अब हम स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। इन प्याज को हम अच्छा सा लाल कर लेंगे, और ये हरी मिर्च और अदरक को हम दरदरा कूट लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम छोटा सा अनलजस्ता ले लिए, इसमें हम अदरक और हरी मिर्च को डालकर कूट लेते हैं। ये देखिए, हम पैन चढ़ा लिए हैं, इसमें हम तेल डाल दिए हैं, ये गर्म हो गया। हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं, इसे हम अच्छा सा सॉफ्ट होने तक हम इसे लाल कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा प्याज अच्छा सा लाल हो गया है। अब इसमें जो हरी मिर्च और अदरक को अच्छा सा कूट के रख लिए थे, उसको हम इसमें डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लेते हैं। ये हमारा थोड़ा सा सॉटे हो गया। अब हम इसमें आलू जो मैश किया हुआ था उसको ऐड कर देते हैं। सारे पाउडर मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छा से हम इसको फ्राई कर लेते हैं। आप इस तरीके से अगर फ्राई करके आलू के पराठे बनाएंगे, यकीन माने बहुत अच्छे बन के तैयार होगी। आप जरूर ट्राई करें इस पराठे को। ये देखिए, आलू भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गया है। अब ये हमारा तैयार हो गया है आलू बनकर। अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, इसे मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा बनकर स्टफिंग तैयार हो गया है। इसके बाद ये ठंडा होगा तो फिर हम आलू के पराठे बना लेते हैं। ये देखिए, हमारा टेस्टी सा ये स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। अब मैं पराठे बना लेती हूँ। ये देखिए, अब मैं पराठे बनाना शुरू कर लेती हूँ। ये मैं आटे का इतना बड़ा पोर्शन ले ली हूँ, आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा ले सकते हैं। अब मैं इसका स्टफिंग भर लेती हूँ इसमें, इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसे बढ़ा लेती हूँ। इस पर स्टफिंग रख देंगे। मैं इसके कोरों को उठाते हुए इस तरीके से चारों तरफ से, ये देखिए, मैं इसको अच्छे से इसे पैक कर देती हूँ। इसमें थोड़ा सा आटा लगाकर हम इसे थोड़ा सा हाथ से ऐसे ही बढ़ा लेते हैं। अब इसको आराम से हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए, मैं तवा चढ़ा ली हूँ, इसे हम थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ ताकि ये इसमें चिपके नहीं। अब मैं इसमें पराठे को अच्छे से डाल देती हूँ। मैं अब एक साइड से इसका चेंज कर देती हूँ। इसी तरीके से मैं पलट पलट कर अच्छा से इसे खड़ा कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा तेल डाल करके, ये देखिए, मैं इसे पलट पलट के अच्छा सा सेक ली हूँ, अच्छा सा कलर भी आ गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। दूसरा पराठा हम इसमें डाल दिए हैं। ये
हमारा दूसरा भी पराठा सीख गया है, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको काट कर इसके अंदर तो हम दिखला देते हैं स्टफिंग। ये देखिए बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है, अब इसे जरूर ट्राई करें। ये हमारा आलू स्टफिंग पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ मैं दो किस्म की चटनियाँ ली हूँ। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, यकीन माने आपके पराठे भी बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगे। अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I'm not afraid to die.